मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 3 की हिंदी का आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे, देश की माटी देश का जल। इस प्रार्थना को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हाँ, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिनका राष्ट्रगान हम सुबह प्रेयर में करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही राष्ट्रगान लिखे हैं। चलिए इस प्रार्थना को हम लोग गाकर पढ़ते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। थैंक यू बच्चों। इस कविता के कुछ ऐसे शब्द हैं, उनके अर्थ को भी हम जानते हैं। जैसे है तन, तन का मतलब होता है शरीर, बाट का मतलब होता है रास्ता, माटी मिट्टी, विमल साफ, सरस रस से भरा हुआ, वन जंगल, जल पानी, हवा वायु, सरल आसान, घाट किनारा, प्रभु भगवान। फिर कवि ने यह कामना किसके लिए की है, ये प्रश्न है हमारा। कवि ने यह कामना किसके लिए की है? जैसे सरस बने, तो सरस का मतलब होता है रस से भरा हुआ, स्वादिष्ट। तो रस से भरा हुआ स्वादिष्ट चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए? देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, ये सब कैसे होने चाहिए? सरस होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देश की मिट्टी, जल, हवा और फल। फिर आता है सरल बने, देश के घर घाट वन और बाट, ये कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। सरल मतलब जहाँ आसानी से जिस रास्ते पे हम चल सके, आसान होना चाहिए। घर घाट वन और बाट। विमल बने, तन मन और भाई बहन, मतलब इस देश में रहने वाले लोग और लोगों का तन मन, देश के भाई बहन। और तन मन, कविता के रचनाकार का नाम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर बच्चों के लिए गृह कार्य दिया गया है। इसमें आप किस देश में रहते हैं, आपके देश की राजधानी का नाम क्या है, देश में कितने राज्य हैं और आप किस राज्य में रहते हैं। बच्चे इस पाठ को याद करेंगे, इस कविता को गाएंगे और गाने के बाद इस वीडियो को मेरे पास शेयर करेंगे। थैंक यू।